आज ही सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस लाल बटन को, साथ ही दबाइए इस बेल आइकन को, जिससे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब के चैनल पे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान करे आपके जीवन में कभी भी अंधेरा ना हो और आप हमेशा प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते चले जाएं। दोस्तों, हम बात करेंगे आज कुंभ राशि की, लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, दबाइए उस लाल बटन को और बेल आइकन को, जिससे आप सारी वीडियो पहली बार में ही देख पाएं। चलिए शुरुआत करते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि वालों को दिवाली के दिन दुर्गा मंदिर में 4 नारियल अर्पित करने हैं, साथ ही साथ पक्षियों को भोजन भी कराना है। सफ़ेद चंदन युक्त जल से शिवलिंग पर अभिषेक भी आप कर सकते हैं और घर के चारों कोनों पर आपको दिए जलाने हैं। तो बहुत ही सिंपल से उपाय हैं, आप आराम से कर सकते हैं, कोई ज़्यादा खर्चे वाले उपाय भी ये नहीं हैं और एक जनमानस ये उपाय आराम से कर सकता है। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, दुर्गा मंदिर में आपको जाना है, 4 नारियल अर्पित करने हैं, इसके साथ साथ पक्षियों को आप भोजन करा सकते हैं, सफ़ेद चंदन से युक्त जल से आप शिवलिंग पर अभिषेक कर सकते हैं और घर के चारों कोनों पर अगर आप दिया जलाते हैं तो नेगेटिविटी आपके घर के आसपास फटकेगी भी नहीं और भगवान का पूरा साथ पूरा आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों, ये तो मैंने करीब बहुत छोटी सी वीडियो बनाई मैंने आप लोगों के लिए। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा आपको मेरे मुझसे कैसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जितने भी एनालिसिस हम लोग करते हैं वो सारे पेड होते हैं। तो अपना समय देने के लिए हमें बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप दिवाली बनाइए, अच्छे से बनाइए और इंडियन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।